आज के दिन दोस्तों किसी भी देश को अगर अच्छे से तरक्की करनी है तो उसकी इकॉनमी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और इकॉनमी में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है एक्सपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा है तो देश में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, दूसरे देशों को आप सामान बेच कर अच्छी खासी मोटी कमाई कर पाओगे। दुनिया के अधिकतम देश दोस्तों जो आज के दिन पावर और रुतबे में बहुत आगे बढ़ रहे हैं उनका एक्सपोर्ट का काम लगातार बढ़ा है पिछले कुछ साल में। और इंडिया का भी यही हाल है, पिछले कुछ साल में एक्सपोर्ट पर अच्छा खासा फोकस किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अफ्रीका दुनिया के सबसे गरीब कॉन्टिनेंट को हम देखें तो यहां पर ना दोस्तों आपको एक्सपोर्ट का काम काफी ज्यादा लो लेवल का नजर आने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका में ही, इस गरीब अफ्रीका में ही कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जो एक्सपोर्ट के काम में ना बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लगी हुई हैं। उन्हीं में से दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार आज मैं आपको टॉप 10 ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जिनका एक्सपोर्ट का काम सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जे पर पहुँच चुका है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ नाम आता है घाना का। अफ्रीका का ये देश आज के दिन दोस्तों तरक्की की ओर थोड़े थोड़े तो कदम बढ़ा ही रहा है, और स्पेशली जब से दोस्तों इसका एक्सपोर्ट का काम बढ़ा है तब से दोस्तों देश में पैसा भी अच्छा खासा आना शुरू हो चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार घाना ने दोस्तों पिछले साल $11.4 बिलियन का सामान दुनिया के 33 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया था, जिसके चलते इसने अच्छी खासी कमाई भी की है। इसका दोस्तों ये एक्सपोर्ट पूरे अफ्रीका के शेयर का बनता है 2.5%, यानी अफ्रीका के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट का काम इसका लगातार बढ़ा है। और आने वाले समय में इसका दोस्तों एक्सपोर्ट का काम और भी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास लेवल की मेटल, जेम्स और गोल्ड प्रोड्यूस करने में तो ये देश ना आपको बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर नज़र आएगा। साथ ही दोस्तों ऑयल से लेकर दूसरी भी कई चीज़ें एक्सपोर्ट करके ये अच्छी खासी कमाई करता है। नंबर 9 की चर्चा करें तो नाम आता है ट्यूनेशिया का। अफ्रीका का ये देश आज के दिन दोस्तों बहुत ज़्यादा बिजी रहता है एक्सपोर्ट के काम में। तकरीबन 16 पोर्ट्स होने के चलते इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है दूसरे देशों में दोस्तों सामान बेचने में, और यही वजह है कि पिछले साल इसने तकरीबन $14.7 बिलियन का सामान 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया था। और ये दोस्तों इसका एक्सपोर्ट पूरे अफ्रीका में अफ्रीका के शेयर का बनता है 3.1%, यानी दोस्तों अफ्रीका के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्जे की कंट्री बन जाती है। वहीं दोस्तों नंबर 8 की चर्चा करें तो नाम आता है लीबिया का। गद्दाफी के चलते वैसे इस देश को ना पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज के दिन ये थोड़ी तो तरक्की में आगे बढ़ा है। लेकिन दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा इसके लिए लंबा काम बाकी है क्योंकि एक्सपोर्ट का काम अभी से और भी ज़्यादा अच्छे से बढ़ाना होगा। आंकड़ों के अनुसार दोस्तों लीबिया इस अफ्रीकन कंट्री ने पिछले साल तकरीबन $20.4 बिलियन का सामान दुनिया के 53 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया था। इसमें दोस्तों मेनली आपको फ्यूल देखने को मिलेगा और साथ ही कुछ खास लेवल के मेटल्स भी यहाँ इन्होंने एक्सपोर्ट किए थे। और इसके अलावा स्टील के एक्सपोर्ट में ये देश बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे पर काम करता नज़र आ जाएगा। और बहुत सारी एशियन कंट्री में दोस्तों आने वाला कॉपर भी आपको लीबिया से आता हुआ नज़र आ जाएगा। इसका दोस्तों ये टोटल जो एक्सपोर्ट का शेयर बनता है पूरे अफ्रीका में वो है 3.8%। नंबर 7 की अगर दोस्तों हम यहाँ चर्चा करें तो नाम आता है मोरक्को का। अफ्रीका का ये देश अधिकतम अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुकाबले आपको ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखता हुआ और ज़्यादा अच्छे से तरक्की करता हुआ नज़र आ जाएगा। शायद इसकी बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर ना दोस्तों आपको बेहद ही ज़्यादा बड़े बड़े पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसके चलते एक्सपोर्ट का काम ये बड़े लेवल पर आसानी से कर पाता है। ये देश दोस्तों व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करने में भी अच्छा काम करता है, और इसके अलावा बहुत सारी मशीनरी का एक्सपोर्ट भी ये करता हुआ नज़र आ जाएगा यूरोप तक। मोरक्को ने पिछले साल दोस्तों तकरीबन $25.6 बिलियन का सामान दुनिया के 73 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया था, और अफ्रीका के टोटल एक्सपोर्ट का 5.5% शेयर सिर्फ ये अपने पास रखता है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो नाम आता है इजिप्ट का। मिस्र हिस्ट्री में दोस्तों ये देश बहुत ज़्यादा फेमस रहा था, हालांकि लंबे समय तक ये तरक्की नहीं कर पाया, जिसके चलते आज के दिन इसका कोई खास बड़े उस स्तर पर नाम तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सपोर्ट का काम ऐसे ही बढ़ाता जाए तो फ्यूचर में एक बड़ी पावर बन सकता है। पिछले दोस्तों एक साल में इजिप्ट ने $25.9 बिलियन का सामान दुनिया के 60 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया था, और अफ्रीका के टोटल एक्सपोर्ट का ये बनता है 5.6%।
ये देश दोस्तों बड़े लेवल पर जेम्स को एक्सपोर्ट करता है और मेटल्स को एक्सपोर्ट करने में भी इसका बहुत बड़ा आपको योगदान देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चर्चा, अगर हम नंबर 5 के देश की करें तो नाम आता है एंगोला का। ये वन ऑफ द मोस्ट दोस्तों वर्स्ट लेवल की कंट्री मानी जाती है पूरे अफ्रीका में, क्योंकि गरीबी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब और गरीबी बहुत अव्वल दर्जे की है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला और लेबर सस्ती होने के चलते बड़े बड़े देश इनसे दोस्तों काम करवाते हैं, जिसके चलते एक्सपोर्ट की लिस्ट में ये यहाँ देखने को मिल चुका है। हालांकि इंडस्ट्रियल एरिया थोड़ा बड़ा होने के चलते दोस्तों ये देश फ्यूल्स और ऑयल्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, और इसके अलावा महंगे किस्म के जेम्स और मेटल्स भी दोस्तों इस देश से तकरीबन 90 कंट्रीज़ में जाते हैं। यही वजह है कि एंगोला ने पिछले साल 34.8 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जो कि अफ्रीका के टोटल एक्सपोर्ट का 7.5% बनता है। नंबर 4 की ओर बढ़े तो दोस्तों नाम आता है यहाँ अल्जीरिया का। अफ्रीका का ये देश दोस्तों थोड़ा थोड़ा तरक्की की ओर बढ़ा है पिछले 5 से 7 सालों में। पूरे देश में आज के दिन आपको 12 हाई क्लास लेवल के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। पोर्ट्स दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस देश के पास अच्छे पोर्ट्स होते हैं वो आसानी से एक्सपोर्ट का काम कर पाता है। पिछले साल ही दोस्तों अल्जीरिया ने 35.2 बिलियन यूएस डॉलर का सामान दुनिया के 107 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया था। बहुत सारी कंट्रीज़ दोस्तों अल्जीरिया से बहुत ज़्यादा सामान लेती हैं, क्योंकि यहाँ से लेने पर लोगों को सामान दूसरी कंट्रीज़ को सामान ना काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और टोटल जो कि अफ्रीका का दोस्तों एक्सपोर्ट होता है उसका 7.6% तो सिर्फ अल्जीरिया के चलते ही आ पाता है। अल्जीरिया ये देश दोस्तों केमिकल से लेकर मशीनरी इक्विपमेंट को भी एक्सपोर्ट करता है, और फ्यूल से लेकर दोस्तों ऑयल तक हर चीज़ ये बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता हुआ नज़र आएगा। एशियन कंट्रीज़ में आने वाले बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स भी दोस्तों इसी देश से आते हैं। नंबर 3 की बात करें तो नाम आता है नाइजीरिया का। अफ्रीका के इस देश की दोस्तों आने वाले समय में एक बड़ी पहुंच हो सकती है, बड़ा रुतबा हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स का दावा है। 21 करोड़ की आबादी वाला ये देश दोस्तों पिछले कुछ सालों में इकॉनमी के तौर पर और एक्सपोर्ट के मामले में लगातार आगे बढ़ा है। आज के दिन दोस्तों यहाँ बहुत सारे नए पोर्ट्स बनाने पर काम भी चल रहा है, जिससे फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट का काम कर पाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार दोस्तों नाइजीरिया ये देश पिछले एक साल के अंदर 44.5 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट कर चुका है, जो कि अफ्रीका के टोटल एक्सपोर्ट का बनता है 9.6%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों चर्चा नंबर 2 की करें तो यहाँ नाम आता है गिनी का। वेस्ट अफ्रीका के इस देश में दोस्तों आज के दिन गरीबी बहुत ज़्यादा है, भूखमरी के चलते लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, और सेफ भी दोस्तों ये देश आज के दिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन बड़े बड़े देश अपने फ़ायदे के लिए ना दोस्तों यहाँ के लोगों से बहुत काम करवाते हैं, और बाद में अच्छा सामान बहुत ही ज़्यादा सस्ते में लेते हैं, जिसके चलते एक्सपोर्ट के मामले में ये देश आपको अच्छा करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फ़ायदा इसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का है, डेवलप कंट्रीज़ का। गिनी दोस्तों ये देश हर साल 62.1 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट करता है दुनिया के 87 से भी ज़्यादा देशों में, और दोस्तों अफ्रीका के टोटल एक्सपोर्ट का ये बनता है 13.4। ये दोस्तों बहुत सारे क्लोथ्स को भी एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गैस और दोस्तों कई तरह के फ्रोजन को एक्सपोर्ट करने का काम करता है यूरोप से लेकर एशिया तक। नंबर 1 पर नाम आता है द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर दोस्तों यही आपको सबसे अव्वल दर्जे की कंट्री देखने को मिलेगी, चाहे आप एजुकेशन, चाहे मेडिकल फैसिलिटी, तो चाहे इकॉनमी से लेकर दोस्तों नेचुरल ब्यूटी तक की चर्चा क्यों ना कर ले। यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पर आपको इंडस्ट्री चलती हुई नज़र आएंगी, और लोगों की कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है दूसरी अफ्रीकन कंट्रीज़ के मुकाबले। साउथ अफ्रीका ने दोस्तों पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 117 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा का सामान एक्सपोर्ट किया था दुनिया के तकरीबन 107 से भी ज़्यादा देशों में, जो कि अफ्रीका के टोटल एक्सपोर्ट का 19.10% बनता है। यानी दोस्तों आज के दिन एक्सपोर्ट के मामले में ये कॉन्टिनेंट पूरा डिपेंड आपको रहता हुआ नज़र आएगा साउथ अफ्रीका देश के ऊपर। इस देश ने दोस्तों एक्सपोर्ट में गुड्स से लेकर वहाँ पर बहुत सारी दोस्तों दूसरी चीज़ों का एक्सपोर्ट किया, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे फ्यूल्स और बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर बीवरेजेस को भी एक्सपोर्ट करने का ये देश काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। वैसे वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।